हेलो फ्रेंड्स, नॉनिक कॉर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ी जो कि एक स्वीट है। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 3 स्लाइसेस ब्रेड। फ्रेंड्स, ये इसके हम साइड्स निकाल देंगे तो इनको ट्रायंगल्स में काटेंगे तो ये 6 बन जाएंगे। 1 1/4 कप मिल्क विच इज 250 मिलीलीटर्स। 3 ग्रीन कार्डमम्स ग्राउंड। 75 ग्राम्स बर्फी, चाहे बादाम पिस्ता की बर्फी लें चाहे प्लेन लें, बोथ विल डू वेल। 1 3/4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेवल प्लस 2 टेबलस्पून रेसिपी मिल्क। इससे हम 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे और मिक्स करके रखेंगे। 3 टीस्पून शुगर। 1 कप मिल्क टू सोक द ब्रेड। 2 ग्रीन कार्डमम्स ग्राउंड फॉर गार्निश। 2 बिग कार्डमम्स ग्राउंड फॉर गार्निश। 4 आमंड्स स्लिवर्ड फॉर गार्निश। हम गैस ऑन करते हैं, इसको मीडियम कर देते हैं और ऑयल को गर्म होना रख देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम ब्रेड के साइड्स काट देते हैं। और फिर हम इनको ट्रायंगल्स में काट लेंगे। तो अब ये हमारे बन गए 6 ट्रायंगल्स। देखिए, अब फ्रेंड्स ये गरम हो गया है। अब इसमें हम इस ब्रेड को फ्राई करेंगे। और ये हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन एक साइड से हो गया और दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए, अब ये दोनों तरफ से बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इनको हम निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम बाकी के भी कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फ्राई करके इस एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर रखे हैं। और एब्जॉर्बेंट पेपर के लिए इसलिए रखे हैं कि जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये सारा पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और मैंने बहुत बार देखा है कई लोग न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ भी फ्राई करके रखते हैं, बट फ्रेंड्स नेवर नेवर डू दैट, बिकॉज If you put anything edible on the newspaper, the ink gets into the food. So always use an absorbent paper. Now friends, cornflour में 2 tablespoons of milk डाल के mix कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे। अब फ्रेंड्स, बाकी के दूध में हम ये कार्डमम और बर्फी को क्रम्बल करके तो इस मिल्क में हम डाल देते हैं। और गैस ऑन करते हैं और इसको हम गैस के ऊपर सिम पे रखेंगे और बर्फी को इसमें डिजॉल्व होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है बर्फी। अब इसको तेज पे कर देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू रोलिंग बॉयल। इट्स कमिंग टू रोलिंग बॉयल एंड नाउ वी ऐड कॉर्नफ्लावर दैट वी मिक्स्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। And we boil it for a minute or so, 3-4 boils देंगे इसको। Friends, आप देखिए 3-4 boils आ गए हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इसको उतार के यहां पर रख लेते हैं।
एंड वी लेट इट कूल अ लिटिल बिट। एंड नाउ वी एड द शुगर एंड वी स्टर टिल इट इज डिजॉल्व्ड। अब इस दूध को हम इस सॉस पैन में डाल देते हैं और इसको हम ल्यूक वार्म करेंगे। गैस ऑन करते हैं और गैस के ऊपर इस सॉस पैन को रख देते हैं। अब देखिए ल्यूक वार्म हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम इस डिश में डाल देते हैं। अब हम इनको इसमें 2-3 सेकेंड्स के लिए सोक करेंगे दोनों साइड्स। फ्रेंड्स अब ये सोक करके हम सारे ऐसे डिश में लगा देंगे। फ्रेंड्स अब ये जो हमने मिल्क बर्फी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया है इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। हम इसको गार्निश करेंगे ग्रीन कार्डमम, बिग कार्डमम और आमंड्स। लीजिए आपकी शाही टुकड़ी तैयार है। फ्रेंड्स दिस कैन बी सर्व फॉर ब्रेकफास्ट एंड एज अ डिजर्ट आफ्टर लंच और डिनर एंड दिस अमाउंट विल सर्व फॉर 3-4 पीपल।